एग करी खाना किसे अच्छा नहीं लगता, और एग करी बनती भी बहुत झटपट है। लेकिन अगर रोज आप एक ही तरीके से एग करी बनाएंगे तो खाने वाले शायद बोर हो जाएंगे। तो इसलिए आज हम एग करी बनाएंगे एक बहुत छोटी सी ट्विस्ट के साथ। इसमें हम थोड़ी सी एक दूसरी इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे और जिससे इसका स्वाद काफी बढ़ जाएगा। तो चलिए आज देख लेते हैं एग करी की बहुत आसान सी रेसिपी। अगर घर में अचानक मेहमान आ जाए या घर में आपको जल्दी जल्दी कुछ अच्छा सा खाना बनाना हो तो ये एग करी की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं एग करी। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। इस एग करी की रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया पत्ती। इसमें हम प्याज को एकदम बारीक काट लेंगे, टमाटर को पीस लेंगे और अदरक लहसुन को भी पीस लेंगे। साथ में हमें चाहिए कुछ खड़े गरम मसाले, तेज पत्ता, जीरा, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, और ये है हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट। और इसकी जगह अगर आप चाहें तो आप फ्रेश कोकोनट को भी स्क्रैप करके ले सकते हैं। आपके पास जो अवेलेबल होगा वो ही लीजिए। और हाँ, इंग्रेडिएंट की पूरी लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बॉयल्ड एग लिया है और बॉयल्ड एग को थोड़ा हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो बॉयल्ड एग में हम फोर्क से इसमें थोड़े से छेद से कर लेते हैं ताकि ये ऑयल में फूटे नहीं। एक नॉनस्टिक पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल लिया और इसमें हम हार्ड बॉयल्ड एग को डाल देते हैं और ऊपर से हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। इससे जो एग का ब्लैंड सा टेस्ट है वो थोड़ा खत्म हो जाएगा और थोड़ा सा एग फ्राई भी हो जाएगा और इसके ऊपर थोड़ी नमक और मसालों की कोटिंग हो जाएगी। तो इन्हें हम तेल में अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। आप चाहें तो कढ़ाई में थोड़ा ज्यादा तेल लेकर उसमें भी फ्राई कर सकते हैं, पर मैंने आज इसे बिल्कुल कम तेल में इस तरीके से हिलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो एग हमारे फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल कर रख लेते हैं। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम डालते हैं थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल और इसमें हम डाल देते हैं तेज पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी, मेज ब्लेड और जीरा। जब ये सब थोड़ा कड़कने लगे तब हम इसमें ऐड कर देंगे एकदम बारीक कटे हुए प्याज को। और प्याज को डालकर हमें बहुत अच्छे से भूनना है जब तक प्याज एकदम अच्छे से ब्राउन से ना हो जाए। मैं कुकिंग में तेल कम ही यूज करती हूँ। अगर आप चाहें तो आप ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी और बढ़ा सकते हैं, और अगर आप कम ऑयल यूज करना चाहें तो वो भी आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। तो अब हम इन प्याज को बहुत अच्छे से भूनेंगे। तो प्याज काफी अच्छे से ब्राउन से होने लग गए हैं। अब हम इस पे डाल देते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट और हम इसे भूनते रहेंगे। अब हम इस पे ऐड कर देते हैं टोमेटो का पेस्ट, और टोमेटो का पेस्ट डालकर हम इस पे डालेंगे थोड़ी सी नमक और नमक डालने के बाद हम इसे अभी बहुत अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसका पूरा मॉइस्चर खत्म ना हो जाए और मसाला हमारा एकदम अच्छा भुना सा ना हो जाए। इसे अभी हमें काफी देर तक भूनना है। मसाला हमारा काफी भुन चुका है। अब हम इस पे डाल देते हैं डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आप
फ्रेश नारियल स्क्रैप करके ले रहे हो तो वो भी यहाँ ऐड कर दीजिए। और साथ ही हम डाल देते हैं सारे सूखे मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, काश्मीरी लाल मिर्च, और इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। और इन सूखे मसालों को भी अब हम मसालों के साथ अच्छे से भूनेंगे। सूखे मसाले हमारे जल ना जाए इसलिए थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देते हैं। थोड़ा पानी डालकर इसे अब हम कंटिन्यूस चलाते भी रहेंगे और अच्छे से इसे भूनते भी रहेंगे। मसाला हमें अभी थोड़ा और भूनना है तो हम मिक्सी का पॉट को धोकर भी थोड़ा पानी और डाल देते हैं ताकि मसाला और भून जाए। मसाला हम जितने अच्छे से भूनेंगे प्याज उतने ही सॉफ्ट हो जाएंगे और हमारी ग्रेवी उतनी अच्छी थिक बनेगी। तो हम इसे थोड़ी देर और भूनते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, लेकिन इसे भी थोड़ी देर और भूनना है जब तक इससे हमारा पूरा तेल अलग ना होने लगे। तो अब देखिए मसाला काफी भून चुका है और इससे तेल भी अलग होने लगा है। मसाला बीच में इकट्ठा सा होने लगा है और अब हम इस पे ऐड करेंगे थोड़ा 1 कप पानी और इस ग्रेवी को अब हम इसमें उबाल आने देंगे। ये जो हमने डेसिकेटेड कोकोनट ऐड किया, या अगर आप चाहें तो नारियल फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं स्क्रैप करके, इसमें खाने में आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि क्या चीज है, लेकिन इस ग्रेवी का टेस्ट बहुत एनहांस हो जाएगा। तो पानी डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं और इसमें बॉयल आने देते हैं। ग्रेवी हमारी काफी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसमें से तेज पत्ता और खड़े गरम मसाले, इन सब चीजों को निकाल देते हैं क्योंकि खाते समय ये मुंह में आने से अच्छा नहीं लगता और इनको जो काम करना था ये अब तक कर चुके हैं। और अब हमारी ग्रेवी एकदम तैयार हो गई है और हमें जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए थी करीब करीब उस स्टेज पे आ चुकी है। तो अब हम यहाँ पे गरम मसाला भी ऐड कर देते हैं। मुझे हल्का सा नमक कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा नमक और डाल देती हूँ, देखे सीजनिंग एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन मैं आज इस ग्रेवी को ही सर्विंग बाउल में डालने के बाद ऊपर से इसमें अंडे को डालूंगी। तो सर्विंग बाउल में मैंने ग्रेवी को निकाल लिया और इसके ऊपर मैं फ्राई किए हुए अंडों को डाल देती हूँ। तो बहुत ही बढ़िया एग करी बनकर तैयार है। अगर आप चाहें तो अंडों को आप एक दो बार ग्रेवी के साथ बॉईल भी कर सकते हैं। तो हमारी बहुत ही बढ़िया एग करी तैयार है। आप खुद भी बनाइए और अपने घर आए मेहमानों को भी बनाकर खिलाइए। देखिएगा सब आपकी बहुत तारीफ करेंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।